बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और क्या हाल चाल है। अल्लाह बरकत दे हम सबके खानों में, हमारे रिस्क में, और हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या अरहमुर राहिमीन। इसी प्यारी से दुआ के साथ अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं बना रही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी फिश फ्राई। इसके लिए मैंने लिए आधा किलो फिश, आधा किलो लिए मैंने फिश। इसमें मैं सबसे पहले तो ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, और आप जो है लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा चिल्ली सॉस। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। और 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें सोया सॉस। ये चले गए। अब जो है हमने लेने हैं ड्राई स्पाइसेस। ये है 1 टीस्पून कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च। ये है अजवाइन 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ये बारीक कुटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें भी इसमें चली जाएंगी। और अब हम इसमें मज़ीद क्या ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें चावल का आटा। चावल का आटा बनाने के लिए आप चावल लेके थोड़ा से उसे बारीक पीस लें और फिर जो है आप इसको छान लें तो ऐसा बारीक आपको आटा मिल जाएगा। और ये है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। इन सारे स्पाइसेस को कर देंगे मिक्स और इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। आप इसे मसाले को लगा के भी रख सकते हैं ओवरनाइट, और 2 घंटे भी रख सकते हैं। जब लगा के रख दें, जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर जो है आप निकालें मज़े से और अपनी फिश को फ्राई करें और पेश करें। तो ये हो गए मिक्स। अब मैं इसको रख दूंगी मैरिनेशन के लिए और फिर जो है हम इसको करेंगे फ्राई। ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट नमक भी शामिल कर दिया। आप हसबे जायका नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 2 घंटों के लिए रख देंगे। तो 2 आवर्स हो चुके हैं, ऑयल को मैंने गरम कर लिया फुल, और जो है इसकी फ्लेम को कर लूंगी मैं मीडियम। अब जो है हमने ये फिश के पीसेस जो है इसमें जो हमने मैरिनेट किए थे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जो है हम डाल देंगे, इसको भी डाल देते हैं। 4 पीसेस डालें, अभी इनको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कम से कम मैंने 10 मिनट एक साइड से कुक किया। अब मैं इसकी साइड कर रही हूँ चेंज। ओके, ये लीजिए, ये देखें वाले पीस की भी कर देते हैं। और 10 मिनट ही, 10 से 12 मिनट जो है हम इसे इस साइड से भी कुक करेंगे। और अब जो है फ्लेम को भी कर देंगे थोड़ा तेज़, ठीक है, हाई टू मीडियम हमने फ्लेम को कर देना है। लीजिए व्यूअर्स, तो टोटल 20 मिनट हो गए हैं इन्हें कुक करते हुए। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और दूसरे पीसेस डालती हूँ। अब मैं बाकी पीसेस भी इसमें डालती हूँ। जी व्यूअर्स, तो सारी फिश निकाल ली, देखें। लेकिन अभी इसे सुपर क्रिस्प बनाने के लिए जो है मैंने फ्लेम को कर दिया फुल, ऑयल को हम करेंगे तेज़ गरम, और इन सारे पीसेस को हम वापस ऐड कर देंगे ऑयल में। फुल तेज़ गरम है और फ्लेम भी जो है फुल है। तो ये गया हमारे सारी फिश इसमें, और इनको जो है 5 से 6 मिनट जो है तेज़ आँच पे इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, हो गए 5 से 6 मिनट, और अब मैं इनको निकालती हूँ और डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी सुपर क्रिस्पी फिश जो है रेडी है। आप मेरी वीडियो को अब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।